कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बीते काफी समय से पार्टी के अंदर चर्चा देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने यह तय नहीं किया है कि आखिरकार पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। दरअसल बीते दिनों पहले देखने को मिला था कि जब पार्टी के नए अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान नेताओं के बीच बड़ी तकरार देखने को मिली थी, जिस वजह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव को टाल दिया था। लेकिन इस बीच देखने को ये मिला कि सोनिया गांधी ने प्रियंका की तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं किया कि प्रियंका को अगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो पार्टी नेता सहमत हैं, यानी कि सोनिया नहीं चाहती कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी प्रियंका संभाले और पार्टी को आगे लेकर जाए। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का लगातार खराब प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं के लिए चिंता का सबक बना हुआ है। ऐसे में जिस तरह से राहुल के अलावा एक प्रियंका है जो पार्टी को आगे ले जा सकती है, लेकिन सोनिया को डर है कि अगर प्रियंका को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो राहुल की अहमियत पार्टी के अंदर कम हो जाएगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।